हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आज से मैं अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं एनसीईआरटी की बुक्स कराया करूँगी। और आज से जो मैं बुक करा रही हूँ वो है क्लास 8 की ज्योग्राफी बुक, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसका आज हम चैप्टर 1 करने वाले हैं। और चैप्टर 1 है रिसोर्सेज, मतलब संसाधन। सो जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। ठीक है, वॉट इज़ अ रिसोर्स? रिसोर्स की अगर बात करें, संसाधन की बात करें, तो कोई भी चीज़ जो ह्यूमन बीइंग्स की नीड को सेटिस्फाई करती है, हमारी ज़रूरतों को संतुष्ट करती है या पूरा करती है, वो सब संसाधन है। अब इसमें आप कोई भी एग्जांपल जोड़ सकते हो। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। वाटर, वाटर इज़ अ रिसोर्स। कैसे? जब भी हमें प्यास लगती है तो हमें क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है, ताकि हमारी जो थर्स्ट है उसको हम सेटिस्फाई कर सके। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ रिसोर्स। बुक्स हो गई, हमारे पेन हो गए, क्योंकि बुक्स के द्वारा क्या करते हो आप? नॉलेज या ज्ञान को अर्जित करते हो, नॉलेज रिसीव करते हो। पेन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पेन के बिना हमारे बहुत से काम रुक जाते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ाई करते हो खासकर, तो आपको पेन, पेंसिल, शार्पनर, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। वो भी एक तरीके से क्या है? रिसोर्स है। अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आप मार्केट जा रहे हो, या कोई स्टूडेंट है जो कि स्कूल जा रहा है, तो उसको रिक्शा अगर हायर कर रहा है तो रिक्शा इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। अगर कोई कैब में जाता है, ठीक है, ओला ऑर्डर चल रहे हैं, तो इनमें कैब ऑर्डर करता है, तो कैब वाला क्या है? इज़ अ रिसोर्स। कैब अगर आप कर रहे हो ऑर्डर, तो कैब, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ी कैब की जाने के लिए, तो कैब क्या हुई आपके लिए? एक रिसोर्स। तो इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल्स और भी डाल सकते हो। आप जो वेजिटेबल्स खाते हो, फूड खाते हो, तो वो भी चीज़ इसमें आ सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, जो भी चीज़ आपकी नीड को सेटिस्फाई कर दे, वही सब आपका रिसोर्स है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। सो रिसोर्स के बारे में और जाने, तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट रिसोर्स। इफ़ वी आर यूजिंग समथिंग, इट सिंपली मीन्स वी हैव वैल्यू ऑफ दैट थिंग, देयरफॉर यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। मतलब ये हुआ कि यूटिलिटी, अगर हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो सब क्या है? रिसोर्स है। और अगर हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, इसका मतलब सिंपल मीनिंग क्या है कि उसकी वैल्यू है हमारी लाइफ में। सपोज़ कि आपके कोई पुराने फटे कपड़े हैं और वो बहुत टाइम से आपकी अलमारी में कहीं पर रखे हुए हैं, और आप ना ही उनको पहनते हो ना कुछ, तो इसका मतलब क्या है कि आप उनको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, क्योंकि ना ही आप उसको यूज़ कर रहे हो, ना ही आपकी किसी ज़रूरत में वो चीज़ आ रही है। लेकिन आपने एक दिन क्या किया कि आपने कोई गरीब देखा और उनको आपने वो कपड़े दे दिए, तो जिनको वो कपड़े मिले, या गरीब लोगों को जिनको आपने दान किया, तो उनके लिए क्या हुआ कि वो एक रिसोर्स का काम हुआ, क्योंकि उनकी तो ज़रूरत को फुलफ़िल करेगा, वो पहनेंगे तो उनके लिए एक रिसोर्स है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं तो वो सब रिसोर्स है, और अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम एक फॉर्म में एक सिंपली क्या कर रहे हैं? वैल्यू दे रहे हैं उसको। तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि जितने भी संसाधनों को हम यूज़ करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं, उन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू है, उन सब की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। एंड फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, उपयोगिता और प्रयोज्यता, ये जो यूजेबिलिटी लिखा है इसको कहते हैं प्रयोज्यता। किसी भी वस्तु को एक संसाधन बनाती है, और जो सभी संसाधन हैं वो हमारे लिए मूल्यवान होते हैं। ठीक है, हम सबके लिए वस्तुओं का मूल्य होता है एक, तो यही मैंने समझाया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, आपको जानने की ज़रूरत है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स डेट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, ये दोनों किसके लोगों की ज़रूरतों से रिलेटेड है, और टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में परिवर्तित कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैंने आपको कपड़ों की ही बात करी कि आपके पुराने कपड़े पड़े हैं और आपके लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है, वो कोई भी आपके लिए इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं रखते, लेकिन एक टाइम आया कि आपने कुछ, आपके मन में इनोवेटिव आया और आपने उन कपड़ों में कुछ भी कट करके या कुछ स्टिच करके उसको एक अलग फॉर्म दे दी, एक अलग ड्रेस उसकी बना दी, तो क्या हुआ कि उसको अगर आपने मार्केट में बेचा तो वो लोगों को भी पसंद आई, और उस टाइम एंड टेक्नोलॉजी, आपने अपने स्किल्स उसमें यूज़ किया, आपने उसमें अपने आइडियाज़ यूज़ किया, आपने नॉलेज यूज़ की। ठीक है, ये सब भी क्या है? एक रिसोर्स है। और उसके बाद आपने मार्केट में बेचा तो उसकी एक इकोनॉमिक
वैल्यू भी हो गई, मतलब उससे आप पैसे भी कमाने लगे। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बना सकती है। अगर मैं कबाड़े की बात करूँ, कोई भी प्लास्टिक के कंटेनर्स है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसका भी आपने कुछ माइंड लगा करके कुछ प्रोजेक्ट बना लिया या कुछ भी ऐसा बना लिया, उसकी वैल्यू दे दी उसको, या कह सकते हो कि उनका आपने मान लीजिए प्लास्टिक के कंटेनर्स से उनको आपने कट करके उनका आपने पोर्ट बना लिया, उनको आप रीयूज़ कर रहे हो, तो वो भी एक तरीके से क्या हो रहा है कि पहले आप उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते थे, 1-1.5 साल से ऐसे ही प्लास्टिक के कंटेनर्स पड़े हुए थे जैसे कबाड़ा पड़ा होता है, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि मैं इसको कुछ ना कुछ यूटिलाइज़ कर सकता हूँ और आपने उसमें एक प्लांट ग्रो कर दिया, तो और फिर आप उस प्लांट की केयर भी कर रहे हो, पानी भी दे रहे हो, तो वो चीज़ क्या हो गई, जो चीज़ इतने टाइम से पड़ी हुई थी, टाइम के साथ आपको पता चले कि इसकी हम ज़रूरत में इसको हम ला सकते हैं, और टाइम एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने आइडियाज़ एंड स्किल्स के द्वारा आप किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हो। सो मूव ऑन करते हैं आगे। हमने ये चीज़ तो पढ़ ली कि कोई भी चीज़ हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करे, तो आप अब तक ये सोच रहे हो कि सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ही हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। हाउ? अगर आपके टीचर है, वो आपको नॉलेज, आपको स्किल्स प्रोवाइड कर रही है, आपको ज्ञान दे रही है, ठीक है, तो वो भी एक क्या है, रिसोर्स है। सो वी ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज डेट लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, ठीक है। हम जो ह्यूमन बींग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है, रिसोर्स है, और आइडियाज़ हमारी नॉलेज, इन्वेंशन या डिस्कवरीज के द्वारा बहुत से नए रिसोर्सेज को क्रिएट किया जाता है या क्रिएट कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, अगर फायर की डिस्कवरी ना होती, आग की डिस्कवरी, आग का आविष्कार ना हुआ होता, तो हम कुकिंग कैसे करते? अगर फायर की डिस्कवरी हुई तभी तो हमने प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग स्टार्ट की, अगर इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, तभी तो हमने इतने सारे न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, परिवहन इतने सारे बन गए कि कार आपको, टेम्पो और बहुत सारी चीज़ें, स्कूटर, स्कूटी, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ, उसके बाद स्किल्स के द्वारा यह इन्वेंशन, न्यू डिस्कवरीज हुई जिसके द्वारा नए रिसोर्सेज बनते चले गए। सो एक वर्ड में कहूँ या एक लाइन में कहूँ तो ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इस वजह से ही ह्यूमन बींग्स क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। सो आप जानते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, रिसोर्सेज के या संसाधन के प्रकार कौन से हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज में और ह्यूमन रिसोर्सेज में। नेचुरल रिसोर्सेज का फर्दर बाइफर्केशन हो गया है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, और रिन्यूएबल फिर कॉन्टिन्यूस और फ्लोइंग जो है, विंड हो गया, वाटर हो गया, ये रिन्यूएबल है। बायोलॉजिकल की बात करें, रिन्यूएबल दो में है, तो बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये आ जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो इसमें रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल, और ह्यूमन की बात करें तो स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। सो अब हम जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। रिसोर्सेज डेट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनको हम ज़्यादा बदलाव किए बिना यूज़ करते हैं, जिनमें हमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स, ये सब क्या है, आपके नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स है। सो अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं। सो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, दो तरीके से बाइफर्केट किए हैं रिसोर्सेज को, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो आप जानते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं और पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी का हमें पता है और जिनको हम प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं, अभी हम वर्तमान में उनको यूज़ कर रहे हैं। सो एक्चुअल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन एंड आर बीइंग यूज्ड प्रेजेंटली। फॉर एग्जाम्पल, रिच कॉल डिपॉजिट्स ऑफ कॉल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी, डार्क सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र। सो ये जो रिसोर्सेज है, कॉल हो गया है या फिर डार्क सॉइल को हम जैसे क्रॉप्स के लिए यूज करें, तो ये चीज़ है जिनका हमें पता है और हम उनको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। सो दीज आर कंसिडर्ड एज एक्चुअल रिसोर्सेज। जानते हैं पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में।
सो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन एंड आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें ये नहीं पता कि, ये तो पता है कि रिसोर्स वहाँ पर है मौजूद, लेकिन हमें ना ही उनकी क्वांटिटी के बारे में पता है कि कितनी मात्रा में है, और ना ही ये चीज़ पता है कि उसको यूज़ कैसे करें, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, रीज़न क्या है? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। एग्जाम्पल, यूरेनियम इन लद्दाख, एबंडेंट मात्रा में यूरेनियम है लद्दाख में, बट वी डो नॉट नो हाउ टू यूज़ इट, बट टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर। जैसा कि आपने पढ़ा है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर, जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स बन सकता है। सो आगे चल कर के टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ हो सकता है कि ये जो यूरेनियम है इसको भी प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको विंड मिल्स का, तो 200 साल पहले ये नहीं पता था कि हम विंड एनर्जी को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, विंड मिल्स को बना करके, लेकिन टेक्नोलॉजी आई, लोगों ने इन्वेंशन किया, और उसके बाद ये विंड, हाई स्पीड विंड एक पोटेंशियल रिसोर्स से एक्चुअल रिसोर्स बनी। तो ये चीज़ है कि विद टाइम एंड टेक्नोलॉजी कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ क्या बन सकती है? एक रिसोर्स बन सकती है। बढ़ते हैं आगे। रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर दो तरीके के रिसोर्सेज बांटे गए हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। इसके बारे में आप सब अच्छे से जानते हो, एबायोटिक कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग होते हैं। बायोटिक कौन से होते हैं? जो लिविंग बींग्स होते हैं। सो आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो, अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग, एग्जाम्पल सॉइल्स, रॉक्स, मिनरल्स, माउंटेन्स, कोई भी ले सकते हो, ठीक है, वाटर। बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, वी ह्यूमन बींग्स, फिशेज, ठीक है, सब क्या है? लिविंग है, तो बायोटिक रिसोर्स है। सो मैंने जो आपको टेबल भी दिखाई थी और नेचुरल रिसोर्सेज भी बताए थे कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं जो हम प्रकृति से या नेचर से हमें मिलते हैं और जिनको हम विदाउट मच मॉडिफिकेशन यूज़ करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज के बेस पर कैटेगराइज किए गए हैं रिसोर्सेज को, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो रिन्यू हो जाते हैं और जो इजीली ख़त्म नहीं हो सकते, या कह सकते हो ये अनलिमिटेड है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रीप्लेनिश्ड क्विकली। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। सो सोलर एंड विंड एनर्जी एग्जाम्पल्स हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, दे आर अनलिमिटेड, ठीक है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा अफेक्ट नहीं हो सकते। अब जो मतलब पॉल्यूशन हो सकता है या कुछ आपके एनवायरनमेंट में, बट इट डजेंट मीन कि आपकी जो विंड है वो चलनी बंद हो जाएगी, या विंड एनर्जी है वो आपकी रुक जाएगी, या उसका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है? रिन्यूएबल है और रीप्लेनिश या ख़त्म ईजिली नहीं हो सकते, इनका स्टॉक जो है वो अनलिमिटेड है, ये जानने की ज़रूरत है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, जानते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जस्ट अपोजिट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल मतलब कि जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, जिनका स्टॉक लिमिटेड है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टिक, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रीप्लेनिश्ड। अगर एक बार स्टॉक इनका ख़त्म हो गया तो हज़ारों साल लग जाते हैं इनको दोबारा से पाने में, ठीक है। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स, इसको एक वर्ड में कह सकते हो कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का स्टॉक अगर ख़त्म हो गया तो उनको हज़ारों साल लग जाते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि हमें स्मार्टली यूज़ करने चाहिए रिसोर्सेज को। अगर आप रेड लाइट पर खड़े हो तो आपको गाड़ी बंद कर देनी चाहिए, ताकि आपको जो पेट्रोल की खपत हो रही है वो वेस्टफुल वे में ना हो और आप रिसोर्स को बचा सको। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको जानना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप ही यूज़ कर सको और आपके फ्यूचर जनरेशन जो आए वो भी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या जो भी जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरीके के रिसोर्स है, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस का मतलब है कि जो हर जगह पर विद्यमान हो, रिसोर्सेज डेट आर फाउंड एवरीवेयर। अब एयर की बात करो तो ये तो नहीं है ना कि दिल्ली में एयर है आपको महाराष्ट्र में एयर नहीं मिलेगी। तो एयर क्या है कि हर जगह प्रेजेंट है, सो इट इज़ यूबिक्यूटस रिसोर्स। लोकलाइज्ड की बात करो तो वो एक जगह तक कन्फाइंड रहेगी,
जो एक सर्टेन प्लेसेस पर आपको मिलेगी, तो वो आपको लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आपके होते हैं। सो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, यूबिकेटर्स रिसोर्सेज जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज दोज विच आर फाउंड ओनली इन अ सर्टेन प्लेसेस, एग्जाम्पल कॉपर, आयरन ओर या एनी अदर मिनरल्स, जो आपको जैसे गोल्ड माइंस है वो आपको हर जगह नहीं मिलती है, बहुत ही कम जगह पर है, कन्फाइन है। इंडिया की बात करूँ तो कर्नाटका में कोलार माइंस और कुछ जगह पर ही मिलती है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन किन किन चीज़ों पर नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो तीन फैक्टर्स है, नंबर 1 इज टेरेन, नंबर 2 इज क्लाइमेट, नंबर 3 इज ऑल्टीट्यूड। हो सकता है ये आपको कहीं ना कहीं MCQ फॉर्म में देखने को मिल जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है या इनमें से कौन सा एक है जिन पर डिपेंड नहीं करता, कोई भी एक फैक्टर इसमें ऐड कर दे तो टेरेन पर, क्लाइमेट पर, ऑल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। जानते हैं थोड़ा सा और इनके बारे में। टेरेन का मतलब है कि आपका जो प्लेस है या टाइप ऑफ लैंड कैसा है, अगर वो फर्टाइल है, अगर वहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जहाँ पर एक पर्टिकुलर मिनरल्स मिल सकते हैं, और दूसरी जगह पर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर आपको बिल्कुल बंजर भूमि मिल रही है, ना ही वहाँ पे क्रॉप्स हो रही है और ना ही वहाँ पर आपको कोई भी मिनरल्स मिल रहे हैं। सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी कह सकते हो कि एक जगह पर हमें एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल मिल रहे हैं, कहीं पर देख रहे हैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी या बहुत लेस अमाउंट में, लेस क्वांटिटी में आपको रिसोर्सेज या फिर मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं। नंबर 2, क्लाइमेट की अगर बात करूँ तो क्लाइमेट भी डिपेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होता है। बिकॉज अगर क्लाइमेट की बात करूँ, एग्जाम्पल लो अगर इंडिया का ही राजस्थान का, तो राजस्थान में क्लाइमेट कैसा है सबको पता है कि वहाँ पर बहुत गर्म क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है, और वहाँ पर रेन भी आपको काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलती है, बहुत लेस क्वांटिटी में होती है। एज अ रिजल्ट क्या है, वहाँ पर आपको पानी की कमी बहुत ज़्यादा मिलती है, हॉट एंड वार्म क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पर आपको पानी की कमी ज़्यादा मिलती है। और आपको पता है कि पानी भी क्या है, पानी इज़ ऑल्सो, वाटर इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। नेक्स्ट अगर बात करूँ ऑल्टीट्यूड की, ऑल्टीट्यूड का मतलब है कि ऊंचाई कितनी है जगह की। अगर कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं, अगर माउंटेनियस एरिया की बात करूँ तो वहाँ पर कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जो कि माउंटेनियस रीजन में ही होती है, जहाँ पर ठंड होती है वहीं पर होती है, या कुछ स्पीसीज ऐसी होती है, शिप वगैरह, जो आपको ठंड में ही देखने को मिलती है, शिप या गॉट ये सब, तो उनका भी आपको यूज़ होता है, क्योंकि शिप के द्वारा ही हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है, और वूल के क्या मिलते हैं, क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं। और स्वेटर अगर बन रहे हैं, आप सब पहन रहे हो, सर्दियों में ज़रूरत है, तो ये क्या है, हम सबको इसकी ज़रूरत है, तो रिसोर्स है। तो तीन फैक्टर्स है, टेरेन, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आपने देख लिए, अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब मानव द्वारा निर्मित, इंसान कोई भी चीज़ बना रहा है जिसकी हमें ज़रूरत है, तो वो क्या हो गया कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मतलब वो किसने बनाया वो रिसोर्स, ह्यूमन बींग्स ने बनाया, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो रॉड है, और जिसका सब यूज़ कर रहे हैं, जो ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो वो सब किस में काउंट हो गए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में काउंट हो जाएंगे। सो ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, उसके बारे में जानते हैं। स्क्रीन पर आप सब देख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज, दैट इज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। वी कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। सो ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके कितने क्वांटिटी कितनी है लोगों की, वो भी आ जाती है, और उनकी एबिलिटी, स्किल्स, नॉलेज, ठीक है, वो भी आ जाती है। अगर बात करूँ कि क्वांटिटी, अगर जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा आबादी है, तो पहले इसको एक अच्छा फैक्टर भी मानते थे कि भाई ज़्यादा लोग है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमारे पास ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, एज अ रिज़ल्ट ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी है, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो रिसोर्सेज भी तो उतने ही ज़्यादा चाहिए हमें, कंज्यूम भी तो उतने ही करेंगे, प्रोडक्शन भी तो उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी,
तो ड्रॉबैक्स भी है और अच्छे भी है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो फिर ड्रॉबैक्स ज़्यादा है, अगर एम्प्लॉयड है, स्किल्स है सबके पास, तो वो एक तरीके से कह सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्स है और आगे और ज़्यादा रिसोर्सेस बन सकते हैं। क्योंकि स्किल्स अगर किसी के पास है, मान लीजिए कपड़ा किसी को सिलने आते हैं या टीचिंग के स्किल्स है, तो वो आगे किसी को पढ़ाएगा या आगे किसी को वो स्किल सिखाएगा कि कैसे कपड़ों को स्टिच करते हैं, और टेलर्स बन रही है और कपड़ों के और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो ये एक गुड पॉइंट भी है। इस वजह से क्वांटिटी की बात की गई है, एबिलिटीज़ की बात की गई है। तो अगर हमारे पास ये सब चीज़ें हैं तो हम नेचर की चीज़ों का बहुत अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं अपने नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी के थ्रू। सो यही है आपका ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन। आई होप आपको ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं? जो लोग बनाते हैं, चाहे वो ब्रिज है, चाहे वो रोड है, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स मैंने अभी आपको बताया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो डैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी जो मैंने आपको बताया कि किसी के पास स्किल है कपड़े सिलने की, या किसी के पास टीचिंग स्किल्स है, या किसी के पास डॉक्टर्स में सर्जन है, उनके पास भी स्किल होती है, ठीक है, और वो लोगों को सिखा रहा है, कोई डेंटिस्ट है वो और अपनी स्किल्स को पास ऑन करता जा रहा है, तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि बहुत सारे रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं, और यही क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलप। नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं संसाधन संरक्षण और सतत पोषणीय विकास। तो इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। सो क्या होता है रिसोर्स कंजर्वेशन? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अगर हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उनको वेस्ट नहीं कर रहे हैं, केयरफुली यूज़ कर रहे हैं, और हम उनको टाइम दे रहे हैं कि वो रिन्यू कर सके, सो इट इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। इसी को हम रिसोर्स कंजर्वेशन या फिर संसाधन संरक्षण कहते हैं। और नेक्स्ट आपको जानना ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं इस टॉपिक पर। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक बैलेंस वे में अगर आप रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, ओवर यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, ओवर यूज़ नहीं कर रहे हो, और कंजर्व कर रहे हो ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी इसको यूज़ कर सके, उनको देख सके, उनका बेनिफिट उठा सके रिसोर्सेज का, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स ही है, ठीक है, क्योंकि आपको अभी आपने पढ़ा कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, दे आर नॉन रिन्यूएबल, या इनका जो स्टॉक है वो अनलिमिटेड नहीं है, एग्जॉस्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, ठीक है, तो ये अनवीनीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल है, और हर एक इंसान के रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिसोर्स को कंजर्व किया जाए, रिसोर्स कंजर्वेशन में अपनी भागीदारी दिखाई जाए। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हो आप, रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो चीज़ों को। जैसे मैंने बहुत से एग्जाम्पल दिए कि कंटेनर पड़ा है लेकिन आपने उसको एक पॉट की तरह यूज़ किया, फ्लावर पॉट की तरह यूज़ किया, या प्लांट उसमें ग्रो किया, वास की तरह यूज़ किया, तो वो भी, अगर कपड़ों की बात करो तो उनको भी आप उसमें कुछ कटिंग कट करके या कुछ और स्टिच करके, आप जैसे बहुत सारी चीज़ें YouTube पर भी दिखाते हैं, तो अगर स्किल्स है किसी में तो आप उनको बार बार यूज़ भी कर सकते हो, रीयूज़ भी कर सकते हो, और एक अट्रैक्टिव वे में भी यूज़ कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, एंड शेयर भी कर सकते हो। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।